खबर बता दें नोएडा से, जहां पर लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। कपड़े की दुकान में अचानक से आग लग गई है, तो लॉजिक्स मॉल से खबर, जहां पर अचानक से कपड़े की दुकान में आग लग गई है। फिलहाल आग बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और फायर ब्रिगेड भी मौके पर मौजूद है। तुरंत दमकल कर्मियों को सूचित किया गया और दमकल की कई गाड़ियां, बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद हैं। आग बुझाने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं, पहली प्राथमिकता आग को बुझाने की, इससे पहले आग ज्यादा फैल जाए। तो नोएडा के लॉजिक्स मॉल से ये बड़ी जानकारी, जहां पर आग लगने की खबर मिल रही है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं। कपड़े की दुकान में आग लगी है और फिलहाल कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं कि क्या कुछ कारण रहे जिसकी वजह से आग लग गई, लेकिन फिलहाल इससे पहले ये आग और ज्यादा फैले, इसको नियंत्रित करने के लिए तमाम जो फायर फाइटर्स हैं वो मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। तो नोएडा के लॉजिक्स मॉल से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं। लॉजिक्स मॉल में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है, लेकिन आग बुझाने के प्रयास लगातार जारी है। देखिए, कड़ी मुशक्कत फिलहाल की जा रही है आग को बुझाने के लिए और आसपास में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा सकता है। इलाके में फिलहाल आग बुझाना पहली प्राथमिकता और इसी के लिए लगातार जो प्रयास हैं तमाम दमकल कर्मियों के द्वारा वो किए जा रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने के प्रयास कर रही हैं। नोएडा से ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है, आग का तांडव देखने को मिला है। अब क्या कुछ कारण रहे, किसी की लापरवाही रही, शॉर्ट सर्किट रहा वजह, ये स्पष्ट नहीं हुआ है। इन कारणों का पता लगाना होगा, लेकिन फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए आसपास की दुकानों को खाली करा लिया गया है। आसपास के लोग फिलहाल बाहर निकाल दिए गए हैं। नोएडा के लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। लॉजिक्स मॉल में एक कपड़े की दुकान में बताया जा रहा है कि आग लगी है और इसी बीच कई सारी दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी नोएडा से, जहां पर लॉजिक्स मॉल में आग लगी है। फिलहाल एहतियाती कदम उठाते हुए आसपास के हिस्से को खाली कराया गया है और फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं।